लिए कलाकारों ने 4 से 5 साल दिए। बाहुबली का किरदार निभाने वाले प्रभास तो केवल इसी फिल्म से बंद कर रह गए। आइए जानते हैं कि किस कलाकार ने बाहुबली के लिए कितनी फीस ली। कटप्पा, डप्पा की भूमिका निभाकर अपार लोकप्रियता बटोरने वाले अभिनेता सत्यराज को 2 करोड़ रुपए मिले। राम्या कृष्णन, दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री राम्या कृष्णन ने शिवागामी का किरदार निभाया, जो फिल्म में बाहुबली को पाल पोस कर बड़ा करती है। फिल्म के पहले भाग में राम्या का रोल बहुत छोटा था, लेकिन दूसरे भाग में वे फिल्म में अपना दबदबा बनाती हैं। उन्हें 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। अनुष्का शेट्टी ने अमरेंद्र बाहुबली की पत्नी देवसेना का किरदार निभाया। पहले भाग में देवसेना वृद्ध और दूसरे में युवा किरदार में नजर आई। अनुष्का को 5 करोड़ रुपए इस रोल के लिए मिले। तमन्ना भाटिया, तमन्ना ने महेंद्र बाहुबली की प्रेमिका अवंतिका का किरदार निभाया। पहले भाग में उनका रोल लंबा था, जिसमें वे बेहद खूबसूरत नजर आई। तमन्ना को भी अनुष्का की तरह 5 करोड़ रुपए मिले। राणा दग्गुबाती, राणा ने बाहुबली में मुख्य विलेन भल्लाल देव का किरदार निभाया। भल्लाल बेहद शक्तिशाली है और बाहुबली से टक्कर लेने की क्षमता वही रखता है। राणा को 15 करोड़ रुपए मिले। प्रभास, बाहुबली के प्रभास ने दोहरे किरदार अमरेंद्र और महेंद्र के निभाए। प्रभास ने 5 साल से भी ज्यादा समय बाहुबली को दिया। इस दौरान उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। विज्ञापन के लुभावने प्रस्ताव भी ठुकराए। उन्हें इस फिल्म को करने के बदले 25 करोड़ रुपए मिले। SS राजामौली, प्रभास से भी ज्यादा फीस मिली फिल्म के निर्देशक SS राजामौली को। उन्होंने बाहुबली के किरदार और कहानी को पर्दे पर भव्यता के साथ साकार किया। उन्हें फिल्म निर्देशित करने के बदले में 28 करोड़ रुपए मिले।